अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इस तरीके से नई रेसिपी लाए हैं, क्विक एंड इजी रेसिपी। जब भी आपके घर में मेहमान अचानक आ जाए, आप उनके लिए भी बना सकते हैं और अपने लिए भी घर में बना सकते हैं। और आपने ईद पे बहुत गोश्त खाए होंगे, ऑयली ऑयली चीज़ें खाई होंगी, तो अभी आप अपने लिए बनाएं तो आपका इससे वज़न कम होगा, यानी आप डाइट के तौर पर भी इसको खा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही फ़ायदे होते हैं, विटामिन ए भी होता है इसमें, विटामिन सी भी होता है, बहुत सी विटामिन्स होते हैं इसमें। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही इस तरीके से बनते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी कैबेज, हम इसमें डालेंगे आधा कप। ये हमने लिया है पर्पल कलर का, अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो आप वाइट वाला भी ले सकते हैं, दोनों सेम टू सेम है लेकिन इसका कलर चेंज है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हमने एक कप लिया है इस तरह, इसको भी हमने बारीक काट लिया अच्छे तरीके से, आपने काट देना है इसको। अभी हम इसमें डालेंगे गाजर, इसमें विटामिन ए से भरपूर है ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आपके आंखों के लिए, जिनके नज़र ख़राब है उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और इस तरह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों को दे, अगर बच्चे नहीं खाते तो मैं आपको बता दूँ कि वो किस तरह इसको खाएंगे। अभी हम इसमें टमाटर इसके साथ डालेंगे एक कप, इस तरह हम डाल देंगे एक कप टमाटर, आधा कप हरा धनिया, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पुदीना एक टेबलस्पून, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हमने इसको भी काट लिया है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है, विटामिन सी इसमें होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ये आपने इसमें डाल देनी है और फिर आपने इसको इस तरह मिक्स कर देना है। तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे लेस, ये बहुत ही अच्छा होगा, उससे कोई भी चिप्स आप इसमें डाल सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, ये बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही इस तरीके से बनेगा। फिर बच्चे भी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि आपने इसमें चिप्स डाला होगा तो चिप्स बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। आपने चिप्स को इस तरह अच्छे तरीके से क्रश कर देना है, देखिए इस तरह। तो चलिए हम इसको क्रश करते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से चिप्स को क्रश करके इसमें डाल देना है। यहाँ पर हमने तकरीबन एक पैकेट चिप्स लिया था और इसको हमने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है, तो तकरीबन एक कप बन गया है इस चिप्स से। तो यहाँ पर हमने इसमें चिप्स भी डाल लिया है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने, देखिए इस तरह आपने ये डाल देने हैं। हम इसको भी एक कप डाल देंगे, ये भी एक कप डाल देंगे, अगर आपके पास मौजूद है तो चने डाल दें, अगर नहीं मौजूद तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह भी ये चाट बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पर हमने एक आदत लेमन लिया है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देंगे कि इसका जूस अच्छी तरीके से जूसी हो जाए, जूसी है लेकिन इसका जूस निकल जाए, फिर जब हम इसको निचोड़ें तो इसका जूस आसानी से निकले। तो इसको आपने इस तरह कर देना है, फिर आपने इसको इस तरह काट लेना है, और इसमें लेमन तो आपने ज़रूर डालना है, ये देखिए इस तरह एक आदत लेमन हमने लिया है, और इसके सीड्स निकाल कर आपने इसको निचोड़ देना है इसके ऊपर इस तरह। अच्छी तरीके से आपने इसको निचोड़ देना है इस तरह, देखिए बहुत ही टेस्ट होता है और बहुत ही इस तरीके से बनता है। ये आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा, अभी आप इसको ट्राई करें तो आप इसको हर बार बनाएंगे। तो इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला हम इसके साथ डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे नमक, एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, इस तरह हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। तो अभी हम इसके साथ नमक डालेंगे, नमक हम इसमें डालेंगे एक चुटकी, क्योंकि चाट मसाले में पहले से ही नमक है, तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे इसके साथ,
और इन सब को आपने थोड़ा मिक्स कर देना है। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा चाट रेडी हो चुका है। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। एक बार बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। अगर आप इसको मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान भी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे और आप इसको अपने डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। तो ये तो आपने ज़रूर एक बार ट्राई करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अभी हम इसको बाउल में निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अभी रेडी, हमने इसको प्लेट में निकाल दिया है। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही इस तरीके से बना है। ये तो आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।